सो हेलो एवरीवन, सूरज गौतम दिस साइड, डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड वेलनेस कोच। फ्रेंड्स, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। और आज का जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही रेयर है। रेयर इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर लोग इस टॉपिक के बारे में बात ही नहीं करते। और आज का टॉपिक जो है दोस्तों, वो है हाउ टू इम्प्रूव सेक्सुअल हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, जितना हमारा फिजिकली हेल्दी रहना जरूरी है, मेंटली हेल्दी रहना जरूरी है, उससे कई ज़्यादा जरूरी है इंसान का सेक्सुअली हेल्दी रहना। और सेक्सुअल हेल्थ कई कारणों से खराब होती है, जैसे कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी। दूसरा कारण है दोस्तों कि हमारी पुअर ईटिंग हैबिट्स, और हम सही सही खा भी रहे हैं तो तरीके से नहीं खा रहे, टाइम पे नहीं खा रहे। फिर उसके बाद लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादातर लोग बात ही नहीं करते, इसलिए जानकारी नहीं है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, आज मेजोरिटी ऑफ केसेस के अंदर कारण है तनाव, जिसे स्ट्रेस बोलते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमारी सेक्सुअल हेल्थ बड़ी डिस्टर्ब होती है, बट कुछ लोगों को पता चल जाता है और ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता। बट जिन लोगों को पता भी चल जाता है कि उनकी सेक्सुअल हेल्थ डिस्टर्ब है, वो किसी से ओपनली डिस्क्लोज ही नहीं करते, बात ही नहीं करते। बट मेरा ये मानना है, हमें करनी चाहिए इस टॉपिक के ऊपर बात, क्योंकि ये बड़े नॉर्मल है और ये किसी के साथ भी हो सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, प्रॉब्लम्स अगर 21st सेंचुरी की है तो सॉल्यूशन भी 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो जो दोस्तों सबसे पहला डाइटरी सप्लीमेंट है, वो है दोस्तों रॉयल जेली। रॉयल जेली होता है, सोचो नाम कितना रॉयल है तो काम में कितनी रॉयल्टी होगी। और दोस्तों इसके इंसान की लाइफ के लिए इनफाइनाइट बेनिफिट्स है, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। दोस्तों ये फूड ऑफ क्वीन भी होता है। अब मधुमक्खी के छत्ते के अंदर तीन प्रकार की बीज होती हैं। सबसे पहली बी होती है वर्कर बी, उसके बाद होती है नर्स बी, और उसके बाद होती है क्वीन बी। क्वीन बी दोस्तों बिल्कुल निढाल होती है उस छत्ते के अंदर, उसकी रिप्रोडक्टिव क्षमता बिल्कुल कम होती है, और उस मधुमक्खी को इलेक्ट किया जाता है, उसे चुना जाता है और उसे एक स्पेशल फूड खिलाया जाता है जिसे बोलते हैं रॉयल जेली। और फूड खाने के बाद उसके अंदर बड़े सारे मिराकुलस चेंजेस आते हैं। सबसे पहला आता है कि उसका साइज़ पूरे छत्ते में सबसे बड़ा हो जाता है, आप उसे दूर से आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरा जो होता है, उसका जो लाइफ स्पैन जो मरने वाले की कगार पे होती है, वो इंक्रीज होकर 6 to 7 years हो जाता है। इससे पता चलता है कि वो एंटी एजिंग प्रोसेस में चली जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों उसकी जो रिप्रोडक्टिव क्षमता होती है, वो डेली बेसिस पे 3 to 4 हज़ार eggs की प्रोडक्शन करती है। उसका काम इकलौता रह जाता है कि वो पूरे छत्ते में मधुमक्खी की तादाद को इंक्रीज करती जाए। और दोस्तों ये रॉयल जेली बनता कैसे है, आज इसके बारे में हम बात करते हैं। जो वर्कर बी होती है वो नेक्टर कलेक्ट करके लाके नर्स बी को देती है, और नर्स बी उससे बी हनी बनाती है, और उस बी हनी को बनाने के बाद उसे बार बार खाती है और प्यूकअप करती है, बार बार खाती है प्यूकअप करती है। इस प्रोसेस के अंदर वो काफ़ी सारे लाइव एंजाइम्स उसके अंदर मिला देती है, जिसकी वजह से वो एक रॉयल फूड हो जाता है। जो भूरे रंग का शहद होता है वो पिंकिश दूधिया कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो होता है दोस्तों रॉयल जेली। और ये पूरे छत्ते के अंदर जब उसे बीज से काटते हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा मिलता है, ये बहुत ही रेयर होता है। और दोस्तों हमने पढ़ा भी हुआ है कि जब एक राजा की 50-50, 100-100 रानियां होती थी पुराने टाइम में, तो सोचो उनको वो सेटिस्फेक्शन पावर कहाँ से मिलती थी। उसके पीछे कारण है दोस्तों रॉयल जेली का, इसलिए इसे रॉयल फूड बोला जाता है। ये आम आदमी के हाथ में अगर आ जाती थी तो उसे सजाए मौत होती थी। और आज के टाइम में अगर मैं बताऊं तो ये मार्केट में अगर इजीली अवेलेबल हो जाए तो दोस्तों इसकी स्मगलिंग हो सकती है, ये 7 to 8-8 lakh rupees किलो बिक सकता है, क्योंकि इसकी इंसान की हेल्थ के लिए बहुत ही मल्टीपल बेनिफिट हैं। कुदरत का नायाब तोहफा है दोस्तों। और रॉयल जेली के और भी बेनिफिट्स होते हैं, ये हमारी हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसके अंदर पेंटोथानिक एसिड होता है दोस्तों, ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, ये एंटी ट्यूमर होता है, एंटी कैंसरस होता है, सुपर एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है दोस्तों, स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है। और जो लोग जो कपल्स परेशान हैं जिनके बेबी कंसीव नहीं हो रहा, ये साइंस एंड रिसर्च सर्वे बोलती है कि रॉयल जेली एक लौता ऐसा फूड कंपोनेंट है जो लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं उसके लिए भी एक आशा की किरण को ये जगा सकते हैं। दोस्तों दूसरा फूड जिसे बोलते हैं बी पॉलन, जो डाइटरी सप्लीमेंट है, बी पॉलन धरती पे पहला फूड है। ये पराग कण होते हैं, ये बिल्कुल नेचुरल सोर्स है प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स का, अमीनो एसिड्स का, मिनरल्स का, विटामिन्स का। इसके अंदर 250 से ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू के, जिसको यूज़ करके हम अपने स्टेमिना को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पर्म काउंट को इंक्रीज कर सकते हैं, हम अपने एंड्योरेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और भी मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये हमारे ऑर्गन्स की प्रकार की एलर्जी नहीं होने देता, इन्फेक्शन नहीं होने देता, और ये भी एक तरीके से पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट माना गया है। ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा रखता है, हमारी स्किन टोन को बहुत अच्छा रखता है, हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों इतने मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, तो ये नहीं कि हम कितना भी इसे यूज़ कर लेंगे। अगर आपको टैबलेट फॉर्म के अंदर मिलता है तो इसे आप 1/4 स्टार्ट कर सकते हो, और अगर ये आपको पाउडर फॉर्म के अंदर मिल सकता है तो आप इसे 1/2 teaspoon भी स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों मैंने बोला था 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंगली टू फूड डाइटरी सप्लीमेंट हैं,
और दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत ही शॉर्ट समरी बताई है, और आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हाउ टू इम्प्रूव सेक्सुअल हेल्थ एंड रॉयल जेली के बारे में, बी पॉलन के बारे में, कैसे आपको ये ऑर्गेनिकली प्रिपेयर्ड मिल सकता है, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने कंसल्टेंट का नंबर दिया हुआ है, आप उनसे बात कीजिए और इन फूड्स को अपने घर पे मंगाइए और इसे यूज़ कीजिए अपने डेली लाइफस्टाइल के अंदर। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर प्लीज प्रेस कीजिएगा ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों से शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादातर लोग इस तरीके की इन्फॉर्मेशन से मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स ले सकें। सो टिल दैट टाइम थैंक यू सो मच, टेक केयर, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट टॉपिक पे।